ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4E का, क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ भी एक्स और वाई के मान याद करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपन लोगों को कन्वर्ट करना है काय में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, है ना। तो लिख देना यहाँ पे, पहले लिखते आ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में लिखा ही है मैंने, है ना। लिख देना कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, अवयव के रूप में रूपांतरण करने पर। तो रूपांतरण करेंगे तो यहाँ देखना, सबसे पहले एक्स का गुणांक कौन है, फाइव पे, तो फाइव लिख दिया मैंने यहाँ पे। वाई का गुणांक कौन है, टू, तो टू लिख दिया मैंने। इसी प्रकार एक्स का गुणांक कौन है, थ्री, तो थ्री लिख दिया मैंने। वाई का कौन है, टू है, तो टू लिख दिया मैंने। वेरिएबल कौन कौन है भैया, एक्स और वाई के रूप में, तो एक्स और वाई लिख दिया मैंने, है ना। पीछे वाला है डिब्बा, अलग से लिख दिया मैंने थ्री और फाइव, है ना। अपन तुलना कर देंगे बाय कंपेयरिंग, काय से कंपेयरिंग करोगे इसकी, एक्स बराबर बी से, है ना। तो इससे तुलना करते ना अपन, तो आ गया क्या वाला, ये जो ये मैट्रिक्स रहेगा ये क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। तो ए के बराबर में क्या जाएगा आपके पास, फाइव, थ्री, टू, और यहाँ पे भी टू आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक्स कौन रहेगा आपके पास, एक्स पूरा है ब्रेकेट ये वाला, एक्स और वाई के रूप का, ठीक है। बी कौन रहेगा आपके पास, बी जो है क्या रहेगा, थ्री और फाइव रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे पहले अपने को मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, है ना। तो मोड ऑफ ए निकालेंगे अपन, तो मोड ऑफ ए निकालते हैं भाई। तो मोड ऑफ ए देखना यहाँ पे, मोड ऑफ ए यहाँ पे, पांच दूनी दस, दस लिख दिया मैंने, पांच दूनी दस, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, है ना। तो पांच दूनी कितना हो जाएगा, दस, बीच में माइनस लगता है, तीन दूनी छह, कितना बचेगा भाई, फोर आ जाएगा। तो मोड ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, फोर आ गया। क्या मोड ऑफ ए जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। अरे मोड ऑफ ए किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या है ये, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, जानते हो भाई सभी, है ना। तो भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब अपने को करना है क्या है, आगे हल करना है इसको। तो हल करने के लिए सभी जानते हैं भाई, वो जो मैंने इक्वेशन बता रही क्या होती है, एक्स बराबर क्या होती है, ए इनवर्स बी, है ना। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, को फैक्टर ऑफ ए, ए के को फैक्टर। तो ए क्या भाई, ए क्या है मेरे पास, ए के को फैक्टर निकालना है ना। तो को ए के को फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो सबको पता है ना, दो बाई दो का मैट्रिक्स है, प्लस माइनस, माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। पहले काम कर दिया मैंने मेरा, मेरे को ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है मुझे यहाँ पे। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए के। तो भाई ए इनवर्स जब निकलेगा, जब मुझे एडजॉइंट ए पता रहेगा, है ना। तो मुझे एडजॉइंट ए मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो भाई एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे देखना आप, सबसे पहले कोफेक्टर निकालते हैं। अब इस वाले एलिमेंट का कोफेक्टर निकालना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, तो इसकी रो, इसका कॉलम गायब, क्या बचेगा, ओनली टू, तो टू लिख दिया मैंने। प्लस का ही ऑलरेडी, नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। समझाने के लिए मैंने वहां पे साइन लिख दिए है। इसका कोफेक्टर निकालेंगे ना, तो इस पे उंगली रख दो, इसकी खड़ी लाइन और इसकी आड़ी लाइन, लाइन को डिलीट कर दो। फिर अगली बारी आती है इसकी, टू के लिए, तो टू का कॉलम, टू की रो, क्या बचेगा, थ्री। साइन पहले से लगे रखा मैंने ऑलरेडी, है ना। फिर इस वाले एलिमेंट की ये कॉलम, ये रो डिलीट, क्या बचेगा, टू आ जाएगा यहाँ पे। इसके इसका लिए क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, है ना। अब क्या निकालना, कोफेक्टर निकालना भाई। तो कोफेक्टर तो निकाल दिया हमने, हमें क्या निकालना है, क्या एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए होता है भाई सी के ट्रांसपोज के बराबर। ट्रांसपोज का मतलब जो आड़ी लाइन है ना, इसको खड़ी कर दो आप, सीधी बात, नो बकवास, है ना। जो आड़ी लाइन होती है इसकी खड़ी कर दिया करो आप लोग, मतलब रो कॉलम बन जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन ए इनवर्स क्या होता है भाई, है ना भाई। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर, क्योंकि ए इनवर्स इसलिए निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ जरूरत पड़ेगी, है ना। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा भाई आप लोगों को, है ना। तो देखना यहाँ पे करना है क्या है, सबसे पहले टू माइनस थ्री, कोई बात नहीं, चलो हो गया काम। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए टू माइनस थ्री माइनस टू और यहाँ पे फाइव। मोड ऑफ ए क्या आया भाई, मैं बटे में लिखता हूँ, यहाँ लिख दूं एक बटा चार कर दूं, कोई गुना तो नहीं कर रहा हूं मैं, ना ठीक है।
बात एक ही है, बटन में कर सकते हो या फिर बाहर निकाल के कर सकते हो, कोई पाप नहीं लगता है इस चीज से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ए इनवर्स क्या है भाई मेरे पास, ए इनवर्स पूरा ये है, पूरा ये डिब्बा है ना, तो 1/4 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस सॉरी 5। बी क्या है मेरे पास, बी है भैया आपका ये यहाँ लिखा रहा 3 और 5 है ना। तो आप एक काम करो, इसके छेड़ी मत करो अभी, 1/4 कह रहे ना तो बेचारे को ऐसे कैसे, है ना। आगे चलते हैं, 2 3 6 और 5 2 10 प्लस माइनस का 10 हो जाएगा तो, है ना, गुणा सभी को करने आता है भगवान की दया से। देखो 2 3 6 और 5 2 10, फिर इसका 3 3 9 माइनस का 9 और प्लस 5 का 25। वाह यार, देखना आप 1/4 चल ही रहा है, चल रहा है ना यहाँ पे, ये सब एक्स के बराबर में चल रहा है, ये है ना, एक्स कौन है आपका, एक्स और वाई के मान निकालना अपने को। तो देखना है यहाँ पे, अब करना है क्या है, यहाँ जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, 10 में से 6 जाते 4 बचते हैं, है ना, यहाँ पे बचेगा 16, जी 16 बचेगा प्लस का, है ना। अब अपन इस जब इस 1/4 का डिवाइड करेंगे ना अंदर या गुणा करेंगे ना, तो आपको पता है यहाँ क्या होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 4, है ना। तो आपको इससे क्या होगा, x का मान निकलेगा -1 और y का निकल जाएगा 4, है ना। जब पता है ना सभी को x क्या है, x भाई ये था मेरे पास, ये x और ये y, भाई x किसके बराबर में था, x और y के बराबर में था, को x का मान -1 और y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो जो भी लाइन आप लिखता रहो वो लिख देना, है ना। तो भाई यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, जेड का भी 1 हो जाएगा, है ना, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का -2 हो जाएगा, जेड का -1 हो जाएगा। एक्स का दिया ही नहीं है तो भाई 0 लिख दो यहाँ, 3 या -5, है ना। वेरिएबल यहाँ पे आपके एक्स वाई जेड ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, एक डिब्बा आपके 1 3/2 और एक 9 का बन जाएगा। करते आ रहे भाई पूरी रामलीला अपन लोग, है ना। आगे देखते हैं, तो भाई कंपेयरिंग करेंगे इसकी, भाई कंपेयरिंग कैसे कंपेयरिंग करेंगे, एक्स बराबर बी से। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा भाई, ये जो मिलेगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। सवाल काफी सरल होते हैं, बस प्लस माइनस का लफड़ा रहता है, ध्यान बहुत रखना पड़ेगा इन सवालों में, है ना। एक्स क्या है भाई, एक्स मेरे पास एक्स वाई और यहाँ पे जेड है ना, यहाँ से टिप पे लिख रहा हूँ। देखो एक की जगह ये पूरा मैट्रिक्स है, एक्स की जगह ये, बी की जगह क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 3/2 और यहाँ पे 9। अब भाई इसको करने से पहले सबसे पहले तो मोड ऑफ निकालना पड़ता है भाई, है ना, मोड ऑफ निकालेंगे। देखो 2 2 के लिए क्या रहेगा भाई, देखना यहाँ पे 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 5 2 10, देखो ये माइनस ने माइनस मिलके प्लस, 2 5 कितना होता है 10 होता, बीच में माइनस लगता है ना। अच्छा इसका इसमें करेंगे 3 1 3 लेंगे, आए का 3 माइनस का 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला एलिमेंट कौन सा लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं, तो 1 को नेगेटिव लेना ही है भाई, फिक्स है वो तो, सनातन सत्य है ना, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव रहेगा। आगे जाते हैं, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम है ना, ये वाली रो ये वाला कॉलम, इसका करेंगे इसमें तो माइनस के 5 और माइनस, अच्छा इसका हाँ देखो लिख देता हूँ अलग में, एक तो इनके ना कोफैक्टर निकालने में ना मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आती है, छोटी सी थोड़ी सी मिस्टेक और पूरा सवाल गलत। देखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस 1 की बात कर, तो 1 के लिए 1 वाली कॉलम 1 वाली रो डिलीट हो जाएगी, तो क्या बचेगा देखो इसका इसमें क्या, तो इसका माइनस का 5 और यहाँ -0 हो जाएगा। अच्छा 1 के लिए क्या होगा भाई, 1 के लिए ये 1 वाली कॉलम 1 वाली रो डिलीट हो जाएगी, हाँ ये, तो इसका इसमें के 3 -0 ऐसा कुछ। देखो इधर तो 2 13 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, देखना फिर माइनस माइनस के 5, अच्छा माइनस के 5 का तो प्लस का 5 कर दूं मैं, है ना, और प्लस 3, तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा ना यहाँ पे 6 5 11 11 3 14 के 4 34 हो जाएगा भाई, ये तो क्या हो जाएगा 34, है ना, 34 हो जाएगा। अब करना है क्या है, सबसे पहले भाई ये तो आपका मोड ऑफ है जो किसके बराबर नहीं आया भाई, 0 के बराबर नहीं आया, है ना, तो क्या लिख देंगे, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना, आपको मान निकालना, यूनिक सॉल्यूशन है तो।
अब यूनिक सॉल्यूशन है तो भाई आगे क्या करना, आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे इसमें, क्योंकि आपको क्या निकालना भाई यूनिक सॉल्यूशन को आगे हल करना है, तो ये मान निकालना, तो ये वो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स को निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं भाई, सबको पता है ए इनवर्स निकालता आ रहे अपन लोग एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए काय की जरूरत पड़ती है अपने को, कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, है ना। अब देखना, तो कोफैक्टर निकालना भाई इसके, देखो एक दो तीन भाई, 3/3 का है, ठीक है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो इधर सबसे पहले ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर ये प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर ये प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर ये प्लस का, है ना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कर दी मैंने यहाँ पे, है ना, अल्टरनेट साइन चेंज करता जा रहा हूं मैं। तो अब यहाँ देखो बड़ी बात तो अब करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, देखना सबसे पहले एक गलती और पूरा सवाल का सत्यानाश, देखना यहाँ पे सबसे पहले 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3 और माइनस के 5 ऐसा पूछे। अगर मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना है इस वाले एलिमेंट का, तो देखो ये रो तो जानी है, फिक्स है, तो ये वाला कॉलम भी जाएगा, फिक्स है, तो क्या बचेगा मैं, -2, -1 और 3 और यहाँ पे -5, है ना। चलो ठीक है, इतना अच्छा काम किया मैंने। देखो इधर इसके बाद आगे जाते हैं, फिर इस वाले एलिमेंट का निकालना है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये वाली कॉलम जाए नहीं है और ये वाली रो तो पहले से जा रही है, तो 1, -1, फिर 0 और -5, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर किसकी बात करेंगे इस वाले एलिमेंट की, तो भाई ये वाली कॉलम ये गई, रो तो जानी है, तो 1, 0, -2 और यहां पे 3, ठीक है भाई, बहुत बड़ा काम कर लिया अपन लोगों ने। देखना इधर आगे जाके क्या करना, अब अपन लोगों को सेकंड रो के निकालना है कोफैक्टर, तो 2, 1, 1, 1, -2, -1, फिर 0, 3 और -5। भाई सेकंड रो के कोफैक्टर निकालोगे तो भाई रो तो जानी है, फिक्स है, इसका निकालोगे तो ये वाली कॉलम चली जाएगी, क्या बचेगा, 1, 1, 3, -5, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर हूं तो ये वाली रो जा, ये वाला कॉलम चला जाएगा, भाई क्या बचेगा, 2, 1, 2, 1, 0, -5, ऐसा कुछ है ना। आगे देखते हैं, अगर मैं इस वाले एलिमेंट का निकाल तो ये वाली कॉलम जाएगी, भाई रो तो जा ही रही है सब में, तो 2, 1, 0 और 3, ठीक है ना। किस पर आ जाएं अब अपन, थर्ड रो पे आते हैं, तो 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3 और -5 ऐसा कुछ, अब के तो जानी है, फिक्स है, थर्ड रो के निकाल रहे तो थर्ड रो तो जाएगी से, इसका निकालूंगा तो इसकी कॉलम चली जाएगी, क्या बचेगा, 1, 1, -2, -1, है ना। अगर मैं इसका निकालूं तो इस बेचारे की पूरी कॉलम चली जाए, क्या बचेगा, 2, 1, 1 और यहाँ पे -5। इसका निकालूंगा ना, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बता, 2 ये है ना, आगे करके आ गए अपन, फिर भी बता रहा हूं मैं, है ना। आगे चलते हैं, इतना बड़ा है, देखो इधर सी बराबर, अब देखना डायरेक्ट तो सोलो करेंगे अपन लोग, है ना। तो देखना 5 × 10 20 माइनस लगता है, और 3 × 1 = 3 माइनस का 3, बट ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई, माइनस बाहर चल रहा है इसका, इसमें क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा ऊपर वाले को, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, दिख नहीं रहा ऊपर, ऊपर की चीज गायब हो चुकी है, ठीक है। तो अब दिख ही गया होगा सभी को, है ना, कोफैक्टर निकाला मैंने, ठीक है। तो आप पहले पहले निकाल चुका हूं मैं, कोफैक्टर निकालना मैंने सिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, यहाँ पे माइनस बार लग रहा है इसका, इसमें क्या है, तो -5 माइनस, अच्छा 1 का 0 में करते 0 आता है ना, तो ये +5 हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना, 3 × 3, क्योंकि 2 का गुणा 0 में होगा 0 आ जाएगा। अब देखना आगे जाते हैं,
माइनस लग रहा है बाहर, वन का फाइव में क्या माइनस का फाइव, पीछे माइनस, वन का थ्री में क्या थ्री, तो माइनस का एट बट ये प्लस का एट, क्योंकि बाहर ऑलरेडी एक माइनस हो रहा है ना। अब देखना है, पांच दूनी दस, माइनस का दस, माइनस का दस ही बचेगा, दो तिया छः, माइनस का छः, आप करके देखना सोल्व इनको, है ना। माइनस वन, दो एकम दो, माइनस का दो बट प्लस का दो, तो यहाँ वन आ जाना चाहिए। कैसा आ जाना चाहिए भाई, वन बताओ सर। देखो इधर मैं दिखाता हूँ, वन का इसमें क्या, तो माइनस का वन, फिर माइनस लगता है, दो एकम दो, काय का दो, माइनस का दो, बट ये काय का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि सूत्र का भी तो माइनस एक बीच में है ना। फिर माइनस बाहर चल रहा है, दो एकम दो, माइनस का दो, फिर माइनस, वन का वन में क्या वन, तो माइनस का थ्री, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का थ्री हो जाएगा, है ना। दो दूनी चार, माइनस का चार, पीछे माइनस वन, तो माइनस के फाइव, हे राम, ठीक है ना। अब यहाँ देखना आप लोग, करना है क्या हम लोगों को, कि एड जॉइंट ए निकालना। अब एड जॉइंट ए जो होता है सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो 13, 5, 3, 8, 10, -6, 1, 3, -5, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, निकालना क्या, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालते भाई, ए इनवर्स निकलता है एड जॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, है ना। तो एड जॉइंट ए क्या है, पूरा है 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3 और -5, ठीक है ना। मोड ऑफ ए क्या आया था भाई, मोड ऑफ ए आपका 1/34 कर दूं मैं, ठीक है ना। ये हमको ये थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना भाई, सोल्व क्या करना हम लोगों को, हमें ऐसा करना है यहाँ पे। ये एक्स बराबर ए इनवर्स, सॉरी यार एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा उधर, ठीक है, बिंदास नंबर एक देखना है। इधर एक्स बराबर क्या होता है भाई, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या निकाला भाई, देखो तुम इतना बड़ा निकाला हम लोगों ने, है ना। तो भाई क्या है, ए इनवर्स बराबर, ये ना बराबर के इस बराबर में चल रहा है, एक्स के बराबर में, है ना। तो वन, अरे यार, 1/34 ब्रेकेट बंद, 13, 5 और एक और क्या 3, फिर 8, -10, माइनस का 6, 1, 3 और माइनस के 5, ठीक है। बी क्या है मेरे पास, बी ये देखो, ये 1, 3/2 और 9, देखो देखना इधर सभी, 1/34 बार चल ही रहा है ना। अब देखना, 13 एकम 13, फिर प्लस, अच्छा 8 का मल्टीप्लाई में काय में कर दू, 3/2 में कर, 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, पता है आप लोगों को, है ना। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 12 लिख रहा हूं मैं, प्लस 9 एकम 9, ठीक है। आगे जाता है बेटा, देखना 5 एकम 5, प्लस का 5, है ना, फिर माइनस के 10 का मल्टीप्लाई इस 3/2 में करूंगा, है ना, 2 5 10, तो 5 3 15, माइनस का 15, कितना अच्छा लग रहा है देखो। फिर आगे जाते, 3 9 30 27, प्लस का 27, हाँ। फिर इसी प्रकार इस 3 का 1 में क्या 3, इसका इसमें करेंगे ना, माइनस का 6 का 3/2 में, तो 2 3 6, माइनस का 9 आ जाएगा, और 5 9 45, माइनस का 45, ठीक है। आगे जाते बेटा, इसमें देखना 1/34 बाहर चल ही रहा है, अच्छा इधर देख, है ना। तो 13 12 कितना 25, है ना, 25 और 9 कितना हो गया 34, है ना। देखना इन दोनों को जोड़ दो, 27 में 5 जोड़ा 32, और 32 में से 15 जाएंगे, है ना। 27 में 5 कितने होते हैं, 32 ही होते हैं, है ना। तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ तो बचे 17, तो 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे जाते हैं तो इन दोनों को माइनस माइनस वाली को ऐड कर दो, 45 में 9 कितना होता है 4, -54, इसमें से 3, तो माइनस का 51, क्या बचेगा, माइनस का 51। एक मिनट बेटा, और ठीक है आगे जाते हैं, तो करना है क्या अपने को, अब देखना यहाँ पे भाग देते हैं ना, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 17/34, मतलब 17 एकम 17, 17, 1/2 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद फिर 34/51,
एक मिनट, कुछ लफड़ा है इस सवाल में, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। एक मिनट, इसका आंसर चेक करता हूं मैं। जो इसका जो आंसर आ रहा है ना आप लोगों के, एक मिनट, एक्स का मान क्या आ रहा है आप लोगों के? एक आ रहा है, -3/2 आना चाहिए, है ना? 3/2। हाँ, 17 से कट सकता है, 17 दूनी 34 और 17 51, -2/3 आना चाहिए। एक मिनट, ठीक है ना, आ गया इसका आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने, क्या देखो 1/34 का इंटू -51 में करेंगे ना, तो 17 51, 17 दूनी 34, तो -3/2 हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है आपके देखना है इधर, इसलिए x बराबर क्या गया 1, y बराबर क्या मिल गया 1/2, z बराबर क्या मिल गया -3/2, आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। कौन सा सवाल है भैया? 5 वाला सवाल है, 4 ही का है ना। तो x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। ठीक है, इसका अगला सवाल है, छठवा। ठीक है, तो भाई मैट्रिक्स ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। एक्स का गुणांक कौन है? 1, वाई का हो जाएगा -1, जेड का हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 1, -3 1 1 1, वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड के रूप में, यहाँ पे अगला डिब्बा 402, ठीक है ना। बाय लिख देंगे कंपेयरिंग एक्स बराबर बी, ऐसा कुछ है ना। तो देखते बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे करना है क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयर करने में कितनी अच्छी चीज मिली। वन के लिए देखो, वन के लिए वन वाली रो, वन वाला कॉलम, वन का वन में क्या वन, -3 एकम 3, लेकिन प्लस का 3 हो जाएगा। फिर ये अगला वाला एलिमेंट माइनस का रहता है, बट ये ऑलरेडी माइनस का, इसलिए इसको प्लस का करना मेरी मजबूरी रहेगी ना। मजबूरी क्या भाई, मैथ से होता है, माइनस माइनस प्लस होता। देखना इधर, इसका ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 2 एकम 2, -3 एकम, मतलब प्लस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस का 1, इसके लिए ये वाली 2 एकम 2 और -1, तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 1, मतलब ये हो जाएगा 10। तो मोड ऑफ ए क्या आ गया आपके? 10 आ गया, यानी कि ये क्लियर है भाई आपको, है ना, 0 के इक्वल नहीं है। तो लिख देना है, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। भाई ये अद्वितीय हल है, सीधी सी बात है कि नहीं है? है ना। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इट इज यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे। ये पहला जैसे सवाल है और क्या, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कैसे, बड़ा सा डिब्बा बनाना पड़ता है एक अपने को, ऐसा कुछ ये है ना, टाइम इसी में लगता अपन लोग, वरना इन सवालों में टाइम ही लगे, है ना। ये कलाकारी कर दे थोड़ी सी, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज कर दे हमने, ठीक है। देखना है आप, 1 -1 1 2 1 -3, फिर 1 1 1। पहली रो के निकाल लूंगा मैं कोफैक्टर, तो पहली रो तो जानी ही है,
इस वाले एलिमेंट का निकालूंगा तो इसकी लाइन चली जाएगी, ये लो मतलब ये कॉलम, तो क्या बचा, वन माइनस थ्री, फिर वन, फिर वन, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन लोग, इसका निकालूं तो ये तो इसकी कॉलम तो जानी है भाई, रो तो पहले से चली गई, तो क्या बचा, टू टू माइनस थ्री, फिर वन और एक और वन बच गया, है ना। फिर आगे देखते हैं, अगर इसकी निकाल इस वाले एलिमेंट का निकालो तो इसकी कॉलम जानी है, ये जानी है, तो टू वन वन वन, टू वन वन वन, ठीक है ना। एक एक चीज बतानी पड़ रही है, देखो वन माइनस वन वन, टू वन माइनस थ्री, वन वन वन, देखो बेटा अब ये वाली जाएगी सही, ठीक है ना। इसका निकालूंगा तो इसकी रो, इसका कॉलम चला जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक एक वन वन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, इस वाले एलिमेंट का निकालूंगा तो देखना यहाँ पे क्या बचेगा, वन 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 वन, क्या हो गया ये, वन वन, ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे, देखना है। फिर इसका निकालो तो ये चली जाएगी पूरी, इस वाले एलिमेंट का, तो क्या बचेगा, वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन वन, ठीक है ना। देखना फिर आगे जाते हैं, वन माइनस वन वन, टू वन माइनस थ्री, वन वन वन, ठीक है। आगे जाते हैं इसमें, इस वाले ये इस लाइन के निकाल, मतलब इस पंक्ति के निकालने हैं आपको, इस रो के कोफैक्टर, तो भाई ये वाले तो रो तो जानी ही है। अब ये देखो इसका निकालेंगे तो इसकी कॉलम चली जाएगी, बचा माइनस का वन वन, फिर वन, फिर माइनस थ्री, है ना। फिर आगे जाते हैं, अगर इसकी निकालो तो वन 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 वन, टू माइनस थ्री। फिर इसका निकालो तो इस एलिमेंट का, तो ये लाइन, तो वन माइनस वन, टू वन, है ना। ये बहुत अच्छे से बता रखा मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को, ठीक है, कोफैक्टर निकालना, है ना। आगे की प्रश्नावलियों में अपन ने ये सीखा था। तो सी बराबर, सी बराबर देखना, तो बेटा यहां देखना इसको सोल्व करते, वन का देखो, वन का वन में क्या, वन माइनस तीन एकम तीन, माइनस का तीन बट प्लस का हो जाएगा, तो यहां जाना चाहिए फोर, माइनस बाहर है, दो एकम दो, माइनस माइनस का तीन का इसमें, तो प्लस का थ्री, तो तीन दो पांच, लेकिन काय का हो जाएगा, माइनस का पांच, ठीक है ना, बाहर माइनस है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, दो एकम दो, माइनस वन, तो यहां वन आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, देखना माइनस बाहर बैठा है, वन का इसमें क्या, माइनस का वन, फिर माइनस वन का वन में क्या, वन, तो माइनस का टू, बट माइनस का टू, तो लेकिन एक माइनस बाहर भी, तो प्लस का कर देगा इसको, तो टू हो जाएगा, है ना। वन माइनस वन, ये जीरो हो जाना चाहिए, माइनस वन का वन में क्या, वन, फिर माइनस माइनस के वन, तो ये प्लस का वन हो जाएगा, ये पता है आप लोग, हाँ, तो ये माइनस का टू हो जाएगा। फिर आगे जाते हैं, देखना ये माइनस ने माइनस मिलकर प्लस, तीन है कम तीन, इसका इसमें क्या, तो टू आ जाना चाहिए यहाँ पे, फिर मान माइनस बाहर चल रहा है, तो तीन माइनस टू, माइनस का फाइव बट प्लस का फाइव हो जाएगा। आगे जाते हैं, दो एकम दो, नहीं सॉरी, एक प्लस का टू, मतलब थ्री हो जाएगा, है ना। पूरा सोल्व करके देखोगे आप लोगों को आ जाएगा, एड जॉइंट ए हमको पता है सी के ट्रांसपोज के बराबर था, फोर माइनस फाइव वन, टू जीरो माइनस टू, टू फाइव थ्री, है ना। जितनी भी लाइनें आड़ी थी सबको मैंने खड़ी कर दी है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें करना क्या है, सही किया ना मैंने, ये देखो ये, हाँ ठीक है, ए इनवर्स निकालना भाई। ए इनवर्स क्या होता है भाई, ए इनवर्स निकलता है एड जॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, ये ऐसा कुछ होता है। तो एड जॉइंट ए क्या है मेरे पास, एड जॉइंट ए क्या, एड जॉइंट ए पूरा ये फोर माइनस फाइव वन, टू जीरो माइनस टू, टू फाइव थ्री, और मोड ऑफ ए क्या है, ये ऐसा कुछ है ना। आगे करते हैं, इसको करना क्या है, हमको निकालना, मान निकालना, हल करना है, तो ए इनवर्स अभी अपन जानते हैं, है ना, बराबर ए इनवर्स क्या है पूरा, ये ए इनवर्स क्या है पूरा, वन अपॉन टेन, देखना है इधर, वन अपॉन टेन, फोर माइनस फाइव वन, टू जीरो माइनस टू, टू फाइव
फाइव और यहाँ पे थ्री। बी क्या भाई मेरे पास, बी पूरा ये 402, 40 और यहाँ पे 2। अब देखते हैं यहाँ पे 1/10 बाहर चल रहा हूँ, उसके हाथ ही नहीं लगाना, भी कुछ करना ही नहीं है। देखना, चार चौक 16 प्लस 2 का जीरो क्या 0 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। आगे जाते हैं, माइनस 5 चौक 20, इसका इसमें क्या 0 प्लस 5 दूनी 10 ऐसा कुछ। पीस 1 का इसमें क्या 4, इसका इसमें क्या 0, 3 दूनी 6। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 10। अपन भाग देंगे ना इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1, है ना। तो आपको पता चल गया भाई, x का मान 2, y का मान माइनस 1 और z का मान 1। चेक कर लेता हूँ एक बार, 6 वाला है, है ना। तो x का मान 2, y की वैल्यू माइनस 1 और z की 1, ठीक है। इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी आपको मान निकालने एक्स वाई जेड के मैट्रिक्स के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अब देखना, एक्स गुणांक कौन है 1, वाई का माइनस 1, जेड का क्या हो जाएगा 2, एक्स का 3, वाई का 4, माइनस का 5, फिर 2 माइनस 1 फिर 3, है ना। एक्स वाई जेड के रूप में वेरिएबल एक्स वाई जेड है, अगला डिब्बा 7 माइनस 5 12, है ना, ये पूरा अलग ही है। बाय कंपेयरिंग एक्स बराबर बी, तो ए क्या भाई मेरे पास, ए पूरा क्या है 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस के 5 फिर 2 माइनस 1 और 3। एक्स क्या है मेरे पास, एक्स वाई और जेड। बी क्या है मेरे पास, 7 माइनस 5 और 1 और 12। मोड ऑफ ए निकालो, सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालते, 1 के लिए क्या रहेगा भाई, 4 3 12 माइनस 5 एकम 5, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। ये वाली टर्म नेगेटिव रहती है, पर ये खुद नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करना रहेगा ना। तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो डिलीट, 3 3 9, 5 2 10, मतलब प्लस का 10 हो जाएगा ये, ठीक है। करके देखना आप लोग, प्लस का 2 रहेगा, तो ये वाली 3 1 3 माइनस का 3, 4 2 8 माइनस के 8, ठीक है। तो 12 में से 5 जाते 7 प्लस 19 माइनस 9 10 11 11 2 22 माइनस के 22, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 22, तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि मोड ऑफ ए किसके बराबर नहीं आया, वही यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आया। तो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना, एकदम वहां पे ऐसा कुछ। आगे देखते हैं इसको, देखना सबसे पहले कोफैक्टर निकालना अगली बारी में इसके। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ भाई, कहाँ पे जाना है, इसके पास जाना पड़ेगा अपन लोगों को। 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 और 3। अब देखना भाई, जब भी मैं पहली रो के निकालू वो कोफैक्टर, तो पहली रो तो डिलीट होना तय है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अगर इस एलिमेंट का निकाल तो इसकी लाइन गायब कर देना, मतलब इसका वो कॉलम गायब कर देना। तो इसके निकालूंगा ना मैं, देखना यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, क्या जाएगा, क्या बचेगा, 4 माइनस 5 फिर माइनस 1 और एक और क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब करना है क्या अगली बारी में, इस माइनस वन का निकालना, तो ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 5 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। आगे जाते हैं, फिर इसका निकालते हैं, तो ये वाली कॉलम डिलीट हो जाएगी, क्या बचेगा 3 फिर 4 फिर 2 और यहाँ -1, ठीक है ना। तो अपन ने ये कर दिया ऐसा कुछ, एक मिनट। ठीक है ना, अब अगली चीज क्या है, इस लाइन के इसके निकालना, इस रो के नहीं, यहाँ क्या था, ये 2 था यहाँ पे, है ना। तो इसका निकालना, ये वाली कॉलम जाए, क्या बचेगा, माइनस का 1 फिर 2 फिर माइनस 1 फिर 3, है ना, फिर
फिर मैं यदि इसका निकालू तो ये वाली कॉलम चले जाएगा, बचेगा वन टू टू और यहां पे थ्री, ठीक है। फिर यदि मैं इस वाले का निकाल तो इसकी कॉलम चली जाएगी, क्या बचेगा वन माइनस वन फिर टू फिर ये माइनस वन, है ना। फिर आगे देखते हैं करना क्या है इसमें, इसकी बात करेंगे तो ये और ये क्या बचेगा, माइनस एक टू फोर और माइनस फाइव, है ना। फिर इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा वन टू थ्री और यहाँ पे माइनस फाइव, ठीक है ना। फिर ये वन माइनस वन थ्री और फोर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कोफेक्टर निकाल दिया, अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सुनना इधर सभी, अब सी बराबर करते हैं इसको, चात्री 12 और माइनस 5, चात्री 12 माइनस 5, क्योंकि ये 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, बीच में सूत्र का माइनस रहेगा, 12 में से 5 जाते हैं 7 बच जाते हैं, ठीक है ना। आगे जाते हैं 12 माइनस है 3 3 9, फिर माइनस 5 2 10 का एक 10 माइनस का 10, बट प्लस का हो जाएगा ये, तो 10 में से 9 जाते हैं 1 प्लस का 1, बट ये 12 माइनस चला तो माइनस लगाना रहेगा इसमें, है ना। 3 एकम 3 माइनस का 3, 4 2 8 तो 9 10 11, 9 10 11 माइनस का 11, ठीक है। आगे जाते हैं माइनस 12 चल रहा है, 3 एकम 3 माइनस का 3, फिर माइनस 2 एकम 2 प्लस का 2 जाना चाहिए ये, ठीक है ना। तो माइनस का 1 बट ये प्लस का 1 ही रहेगा, फिर 3 एकम 3 2 2 4 तो ये बचेगा माइनस का 1। सभी को पता है ना ये सोल्व कैसे करते हैं इसको, माइनस 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 रहेगा बट बाहर माइनस तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। देखो इसका इसमें क्या, माइनस का 1 2 एकम 2, ठीक है। आगे जाते हैं 5 4 2 8 मतलब माइनस का 3, ये माइनस लग रहा बाहर, 5 एकम 5 माइनस का 5, 3 2 6 तो माइनस का 11 बटे 11 रहेगा, ठीक है ना। आगे जाते हैं 4 एकम 4 4 प्लस 3 मतलब 7 हो जाएगा ऐसा कुछ। अब हम जानते हैं भाई एड जॉइंट ए जो होता है सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो 7 माइनस 1 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 फिर -3 11 और यहाँ पे 7 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको करना क्या, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स कैसे निकलेगा भाई, ए इनवर्स निकलेगा ये एड जॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, तो एड जॉइंट ए क्या है अपने पास पूरा ये 7 माइनस 1 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1, -3 11 और एक और 7, और मोड ऑफ ए 1 अपॉन 9 4, ठीक है ना। अब करना है क्या है, सबसे पहले अपने को हम जानते हैं भाई एक से बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी, है ना। तो ए इनवर्स बी देखना इधर सभी, अब कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स क्या पूरा है 1 अपॉन 4, 7 माइनस 1 फिर 11, ये 11 जो है ना माइनस का है, फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 फिर -3 फिर 11 और फिर 7, है ना। फिर बी क्या है, बी पूरा ये 7 माइनस 5 और एक और 12, ठीक है ना। आप सोल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन 4 चल ही रहा बाहर, तो देखते हैं 7 7 49, 1 का इसमें क्या माइनस का 5, माइनस का 12 36, ठीक है ना। फिर आगे जाते हैं इसका इस माइनस के 1 का इसमें, तो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 5, फिर अच्छा 12 का 11 में करना पड़ेगा है ना, तो 12 का 11 में करेंगे, 12 एकम 12 फिर 12 एकम 12 132, कितना हो जाएगा 132, ठीक है। आगे जाते हैं इसका इसमें माइनस का 77 माइनस माइनस प्लस का 5, फिर 12 7 84, हाँ है ना, 1 अपॉन 4, मार्क गलत ले लिया मैंने, देखते हैं सुनना आप 49 देखना इधर सभी, ये हो जाएगा 41, तो यहाँ बचेगा 8, है ना। अब 132 में जोड़ूंगा 5, तो 137 इसमें से घटाऊंगा 7,
है ना, तो 130। फिर आगे जाते हैं माइनस का 77 में, तो 84 में जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा, है ना। 9 में 7 गया 2, यहाँ बचेगा 1, तो माइनस का 12, है ना। मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, सुनना 137 था ना, इसमें 7 जाएगा, तो 130 से तो बचना चाहिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कैसे पॉसिबल हो गया ये। अच्छा, चार दुनिया 8 छात्री 12, ये भी माइनस का आ रहा है, ये प्लस का हो जाएगा वैसे तो, बट ये कैसे क्या हो गया चार, देखना। माइनस का 7, इसका इसमें क्या 5, 11 की 1 है। तीन है कम, तीन ठीक तो आ रहा है अपना, एक मिनट। ठीक है, यहाँ हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई इस सवाल में। यहाँ क्या हुआ देखना, इधर ये यहाँ देखना, पहले 3 3 9, जल्दबाजी का काम है इसलिए 3 3 9, फिर माइनस और 5 2 10, बट ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या 19 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा इस जगह भी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा भाई, है ना। छोटी सी मिस्टेक थी अपने ने, मतलब गुणा गलत कर दिया है ना, मतलब जोड़ घटाव जो भी हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपने काम करते हैं इसमें, इसको वापस से मिटा देता हूं मैं, देखना है कि भाई 11 भी माइनस का है ना। 3 1 3, 4 2, ठीक है। तो देखना यहाँ पे अब करना क्या है, इसका माइनस के तो 19 का गुणा 7 में, 9 7 63 की 3 हासिल आए 6, तो 133 हो जाएगा, है ना, काय का लेकिन माइनस का। फिर आगे जाते हैं, इसका इसमें क्या माइनस माइनस प्लस के 5, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 132 आया था ना, 12 11 में 12 12, 132 ही आएगा, ठीक है ना। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का 77 प्लस 5 प्लस 284 है ना। आगे जाते हैं देखना, 1/4, यहाँ देखना यहाँ हो जाएगा 8, है ना, और यहाँ पे क्या होगा देखना, 133 में से 135 जाएंगे, नहीं 137 जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 84 5, तो कितना 89, इसमें 77 जाएंगे, प्लस की बड़ी है ना, तो 2, यहाँ 1, तो 12, तो ले दे के जो अपने पास जो मिलेगा ना आपको आंसर, गुणा करेंगे ना इसका, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 4, यहाँ हो जाएगा 3, है ना। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 2, y की मिल गई 1 और z की मिल गई 3। ठीक है, जरा सी मिस्टेक थी, ठीक है, सभी सही कर लेना यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे हो गई थी अपन, ठीक है, इस जगह 1 लिख दिया था या 90 रहना चाहिए था, ठीक है।